बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, दिख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में 19 से 22 के पार्ट वन का एग्जाम लगभग दो साल बाद आज से शुरू होने वाला है। शुरू हो चुकी है, आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर। लेकिन कुछ छात्र छात्राओं को अभी भी कन्फ्यूजन है। रात कुछ छात्र छात्राओं ने कमेंट किया था कि क्या सर, 4 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, क्या उसको पोस्टपोन कर दिया गया है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज से एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है। यदि आपका आज पेपर है तो कहा गया अखबारों में कि जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है आसपास आपके, आपको समय से 1 घंटा पहले ही पहुंचाना होगा। कुछ छात्र छात्राओं की यह भी कमेंट थे कि सर मेरे पास 2 एडमिट कार्ड है, दोनों पर वेरीफाई किया हुआ एडमिट कार्ड है, दोनों पर सिग्नेचर और मुहर लगे हुए हैं, और दोनों में 2 तरीके के रोल नंबर हैं, तो हम कौन सा जो है एडमिट कार्ड हम लेकर के सेंटर पर जाएं? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर बिल्कुल है, आपको दोनों एडमिट कार्ड ले जाना होगा ऐसे स्थिति में। अब बताया गया है कि आपको, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको अटेंडेंस भी बनवाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो अटेंडेंस शीट भेजी गई है उस पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके सब्जेक्ट का नाम, पेपर, आईडी और भी चीज़ें रहेगी। तो आपको दोनों रोल नंबर, यदि आपको 2 रोल नंबर अलाउड हुआ है और दोनों पर सिग्नेचर और मुहर है, तो वैसे तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 30 तारीख को जो एडमिट कार्ड जारी हुई है वही एडमिट कार्ड वैलिड है, उससे पहले वाले एडमिट कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है, उस सबको रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है और मेरे पास 2 एडमिट कार्ड है ऐसा आपके माइंड में है, तो आप दोनों एडमिट कार्ड ले जाएं। और जो OMR शीट है उस पर जो रोल नंबर वाला सेक्शन है, रोल नंबर वाला सेक्शन आप न भरें थोड़ी देर के लिए। आपको लगता है कि मेरे पास 2 एडमिट कार्ड है और दो रोल नंबर अलॉट हुआ है, तो जब अटेंडेंस शीट आएगी तो उस पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आएगा। तो अटेंडेंस शीट और एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर है उसको आप मिलान कर लेंगे। जो एडमिट कार्ड के रोल नंबर और अटेंडेंस शीट के रोल नंबर मैच करेंगे वही रोल नंबर आप OMR शीट पर लिखेंगे, अदरवाइज आप जो है मैच जो नहीं करेगा उसको आप नहीं लिखेंगे। वह जिसके पास 30 तारीख को जिनको एडमिट कार्ड मिला है या 30 के बाद मिला है या जिनका रोल नंबर 1 समान है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो एडमिट कार्ड वेरीफाइड वाला वो लेकर के सेंटर पर पहुंचेंगे। अभी भी कुछ एडमिट कार्ड में गड़बड़ी थी जिसके कारण बिहार विश्वविद्यालय ने कहा है कि स्नातक पार्ट वन की परीक्षा आज से शुरू तो हो गई है, एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है फिर भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो हेडलाइन आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा हेडलाइन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें दी गई है कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार से जो है परीक्षा जो है वह शुरू हो गई है। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में बड़ी संख्या में गड़बड़ी सामने आई थी, कई कॉलेजों के छात्रों को एडमिट कार्ड में सुधार कर दिया गया है, वहीं कई के एडमिट कार्ड में अभी भी गड़बड़ी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि एडमिट कार्ड में गड़बड़ी परीक्षा में बाधा नहीं बनेगी, जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है वे अपने कॉलेज से संपर्क कर उसे सुधार करवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का आदेश है तमाम कॉलेज को कि जिसके भी एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है, आईडी पासवर्ड मिला हुआ है कॉलेज को, वह सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि परीक्षा शुरू होने तक एडमिट कार्ड में सुधार नहीं हो सका तो विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे छात्र छात्राओं की भी परीक्षा में उनको भी शामिल होने दिया जाए जिनके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है, बाद में जो है उनको सुधार कर दिया जाएगा। अटेंडेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि अटेंडेंस शीट पर आपका तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पेपर, आईडी, सब्जेक्ट का नाम, कुछ और भी जानकारी आपका नाम उस पर होगा ही, साथ में आपका फोटो होगा। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से ये भी नहीं हो पाया है, वो फोटो वाली अटेंडेंस शीट जो है वह तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए अटेंडेंस शीट फोटो वाली रद्द कर दी गई है और नई भेजी गई है जिस पर आपका फोटो तो खैर नहीं होगा, बाकी हर जानकारी होगी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो आज 4 तारीख है, आज से जो है पार्ट वन की परीक्षा शुरू हो गई है। यदि आज आपका पेपर है तो जल्द से जल्द आप अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, लगभग समय से आधा घंटा पौन घंटा पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।